नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा उन्होंने शपथ दिलाई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सेतु के रूप में काम करेंगे और हर विषय पर अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने राज्यपाल को प्रदेश की पूरी जनता की ओर से बधाई दी। साथ ही कहा कि अब असम और छत्तीसगढ़ की मित्रता और घनिष्ठ होगी। रामेन डेका जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ और विकास करेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने भी राज्यपाल को बधाई दी। I'm trying my level best to grow the Kuroda Assam region, and we have same problems. I'll try to understand this thing first: geopolitical situation, demography, geography. Then I will express my views in various subject. बहुत-बहुत बधाई देता हूँ मेरे तरफ से छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और आसाम के साथ छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना संबंध है तो अब छत्तीसगढ़ और आसाम की मित्रता और घनिष्ठ होगी और माननीय रमन डेका जी के मार्गदर्शन में हमारा ये छत्तीसगढ़ और बहुत तेजी से विकास करेगा। प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से इनको सुनने और बातचीत करने का अवसर मिलता रहा। ये असम और छत्तीसगढ़ की संस्कृति करीब करीब एक है। छत्तीसगढ़ का और असम का करीब करीब मुझे लगता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, तो एक परंपरा के अनुसार भी एक ऐसा राज्य उनको मिला है छत्तीसगढ़, जहाँ वो अपना बेहतर दिखा कर सकते हैं। तो हम सब की शुभकामना है और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा विषय है कि गवर्नर साहब ने आज पद ग्रहण किया।